हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। आज हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आ रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स के लिए, कई एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड हैं, और उनका जो मेजरमेंट है वो किन किन मेथड से किया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है IIT JEE, साइंटिफिक असिस्टेंट, नीट, टीचिंग जॉब्स एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेसन। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, देखिए फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए यहाँ जो फंडामेंटल यूनिट्स की बात हो रही है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हो रही है, वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अगर हम बात करें टाइम का, अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम जो है उसकी यूनिट होती है सेकंड। अगर ऐसा ही यूनिट जिस सिस्टम में अभी अपन यूनिट्स पढ़ते हैं उस सिस्टम के अंदर टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड लेकर चलते हैं, तो सेकंड जो है वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि वो दो अदर क्वांटिटीज़ के हेल्प से वो डिराइव होकर आई है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो सिंगल यूनिट्स होती हैं, वो सिंगल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेबल नहीं होती है। हम बात करें SI यूनिट सिस्टम की, तो उसके अंदर हम 7 क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इनके जो यूनिट है वो हम किस तरह लिखते हैं। लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, मास को हम मेज़र करेंगे किलोग्राम में, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में, टाइम सेकंड में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। या हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम एम्पियर में देखते हैं। सिंबल इसकी आपको पता है कि मीटर को हम स्मॉल एम से, किलोग्राम को केजी से, केल्विन को के से, सेकंड को एस से, मोल को MOL लिखते हैं, कैंडेला को CD से, एम्पियर को कैपिटल ए लिखते हैं। यहाँ स्मॉल ए लिखा हुआ है, आप कैपिटल ए इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव क्वांटिटी या फिर डिराइव यूनिट्स की। तो द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव यूनिट्स सच एज। देखो इसके अंदर बात कर रहे हैं हम कि डिराइव्ड का मतलब क्या, इसके नेम से समझ में आ रहा है कि ये किसी न किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंडेबल है और साथ ही उन यूनिट से डिराइव होकर आई है। तो अगर स्पीड की बात करें हम, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी होती है, किस पर डिपेंडेबल नहीं होती है। टाइम भी अपने पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम से ये डिराइव होकर आई है। फोर्स की अगर बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दोनों यूनिट्स के पर डिपेंडेबल है। एंड एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, चार्ज, करंट इंटू टाइम, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या है, अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, उनसे डिराइव होकर आई है, इसलिए हम इनको कहेंगे डिराइव क्वांटिटीज या फिर यूनिट्स। अब इनकी यूनिट्स देख लेते हैं। डिस्टेंस को हम लिखते हैं मीटर में एंड टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई स्पीड की। उसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी जो यूनिट है वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं और टाइम को लिखते हैं हम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए मास को हम केजी में लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट हमने ऊपर देखी थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर कर लेंगे। ये कंप्लीट इसकी यूनिट बनती है फोर्स की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी की अगर बात करें तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर फोर्स की जो यूनिट होती है वो अपने पास है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिखा केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, साथ ही डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, तो एक मीटर का यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसके कंप्लीट यूनिट हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखिए फोर्स को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही इसकी एक अदर यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो एनर्जी की यूनिट जो है वो क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है अपने पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स की यूनिट है अपने पास न्यूटन एंड डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। इसी वजह से यहाँ पर न्यूटन मीटर एक इसकी अदर यूनिट लिखी गई है। साथ ही हम एक और यूनिट से अपन इसको देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जूल। तो एनर्जी की यूनिट होती है के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। साथ ही अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट हम लिख सकते हैं इसके लिए न्यूटन मीटर, एंड इसकी यूनिट थर्ड हो सकती है जूल। तो ये एक ही चीज़ है। चार्ज की अगर बात करें तो करंट इनटू टाइम होता है, करंट को हम कैपिटल ए एम्पियर से डिनोट करेंगे इसकी यूनिट, एंड जो टाइम है उसको हम सेकेंड लिखते हैं, तो एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, साथ ही हम इसको लिखते हैं कूलॉम। तो चार्ज की यूनिट होगी कूलॉम। ये साइंटिस्ट नेम पर इनकी यूनिट रखी गई है, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन रखी गई है साइंटिस्ट नेम पर, और एनर्जी की यूनिट रखी गई है जूल, वो भी साइंटिस्ट नेम पर, और चार्ज जो है उसको कूलॉम ने बताया था सबसे पहले, तो कूलॉम के नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है। इस तरह से हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि अपने पास जितनी भी यूनिट्स है फंडामेंटल हो या फिर हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हो, तो उनके लिए एक सिस्टम काम करता है जिसके बेस पर हम सारी के सारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स काम आते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जिस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, जिस सिस्टम में हम सारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं, वो है एसआई सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम की। सी का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है, और एस का मतलब यहाँ पर सेकेंड से है। सेटअप इन फ्रांस, ये फ्रांस में इसका सेटअप हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। सेकेंड हम बात करते हैं FPS सिस्टम की। तो FPS सिस्टम होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड। तो ये जो है वो ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड एक सिस्टम है, और इसमें फंडामेंटल यूनिट्स ये हो ही गई। पाउंड फुट जो है वो लेंथ के लिए है, पाउंड मास के लिए आ रहा है, और सेकेंड जो है वो टाइम के लिए आ रहा है। नेक्स्ट हम सिस्टम की बात करें तो ये है MKS सिस्टम। तो इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड ये सिस्टम है, ये एक फ्रेंच सिस्टम है। फोर्थ हम जो सिस्टम की बात करते हैं ये अभी का सिस्टम है, प्रेजेंट में जो सिस्टम पढ़ते हैं हम वो SI सिस्टम है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल जितने भी हम साइंस में स्टडी करते हैं सब में एक ही सिस्टम काम कर रहा है, वो है हमारा SI सिस्टम। इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवन बेस क्वांटिटीज। जो सेवन बेस क्वांटिटीज हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। देखिए यहाँ पर तीन तरह से यूनिट्स डिफाइन होती है, कौन कौन सी। एक तो हम बात करते हैं फंडामेंटल सेवन यूनिट्स की बात करते हैं। इनके अलावा जितनी भी यूनिट्स होंगी जो इनसे डिराइव होके आएंगी वो होती है डिराइव्ड यूनिट्स। और थर्ड हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होती हैं, एक तो होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट हम बात करें कि एडवांटेज ऑफ SI। तो SI जो सिस्टम है उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, क्यों हम उसी सिस्टम को अभी इंटरनेशनल एक मीडियम बना लिया है, तो किस एडवांटेज के बेस पे हमने ऐसा किया है, क्या क्या एडवांटेज है इसके, उसके बारे में हम बात करेंगे। SI इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम बेस्ड ऑन ए सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिविजन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल एडवांटेज यहाँ पर ये हो गया कि बिना न्यूमेरिकल फैक्टर्स के इंट्रोड्यूस किए हम किसी भी यूनिट को या फिर किसी भी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। किसके थ्रू, हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के थ्रू उसको बना सकते हैं। सेकंड इसका जो एडवांटेज है वो है SI इज अ रैशनल सिस्टम। सबसे पहली बात आती है रैशनल सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, एज इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू बी अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी।
फॉर एग्जाम्पल जूल इज द यूनिट फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज के बारे में आप पढ़ते हो जूल जो है वो हर एक एनर्जी के फॉर्मूले पर काम करेगा। अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ें काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसके जब आप यूनिट निकालते हो तो वही kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की mgh की, तो इससे अगर आप यूनिट निकालो तो वही आता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक तो बात ये आती है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बात आती है कि जितनी भी तरह की एनर्जीज की फॉर्म्स हैं सबके लिए एक ही यूनिट काम आएगी, वो है जूल। दिस इज नॉट सो ऑन इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब अगर अदर सिस्टम की हम बात करें, अगर हम CGS की बात करें, MKS की बात करें या FPS की बात करें, तो उन सिस्टम्स में ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही एनर्जी की फॉर्म चेंज होगी, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला चेंज होगा, तो हो सकता है वहाँ पे उसकी यूनिट जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन ऐसा ही सिस्टम में हर तरह की एनर्जी की क्या होगी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जूल इज द यूनिट, यूनिट जो है वो सेम रहेगी। थर्ड एडवांटेज की बात करें, SI इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है। देर आर नो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑन दिस सिस्टम, दिस यूज फैक्टर G इज दस एलिमिनेटेड। SI इज अ मैट्रिक सिस्टम, ये मैट्रिक सिस्टम है। द मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। यानी अगर अपन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स की बात करें, तो मान लो अपने पास वैल्यू आ रही है 7.5 × 10^2, तो यहाँ पर पावर लग जाती है 10 के ऊपर, और इस तरह से हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स को देखते हैं इसके अंदर। फिफ्थ है अपने पास इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ SI ऑन SI लाइक एम्पियर फॉर करंट, वोल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम फॉर रेजिस्टेंस, हेनरी फॉर इंडक्टेंस, फैराड फॉर कैपेसिटी एंड सो ऑन। अब बात आती है, हमें डिटरमाइन करना है डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ये आपको दिख रहा है डायग्राम में कि जो AB है वो मून का डायमीटर है, तो किस तरह इसका डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं वो हम देखते हैं। लेट मून बी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डायमीटर D, ये जो D डायमीटर है, AB मान लो या फिर D मान लो। लेट ई द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे एक हमने पॉइंट लिया है ई। अ टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन मून सरफेस, मून के सरफेस पे जो भी टेलीस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं वो फोकस्ड है, और जो भी फोकस्ड एरिया है वो पूरा के पूरा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरह से फोकस्ड होता है, कौन सी इमेज बनकर वहाँ पर तैयार होती है। इट्स इमेज इज ऑब्जर्व एज शोन इन फिगर इज मेजर्ड, S इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ सर्फेस। ये जो S डिस्टेंस यहाँ पर जो आपको दिख रही है वो मून एंड अर्थ के बीच के डिस्टेंस है। द डायमीटर AB ऑफ मून इज कंसिडर्ड एज अ सर्क्यूलर आर्क ऑफ द रेडियस। तो ये जो रेडियस है अपने पास, इसको रेडियस मान रहे हैं हम S, तो ये जो मून है ये क्या है, एक सर्कुलर आर्क की तरह है। यहाँ पर ये मून जो लिखा हुआ है, यहाँ पर AB आपको दिख रहा है, ये जो आर्क है वो सर्कुलर आर्क की तरह है। डायमीटर ऑफ द मून कैन बी फाउंड बाय नोइंग, ये जो क्यू लिखा हुआ है आपको इसको देखना है थीटा के रूप में। यहाँ पर ये जो थीटा है ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, तो ये क्यू जो है वो आपको समझना है थीटा। तो थीटा एंड एस, डायमीटर ऑफ द मून कैन बी फाउंड बाय द, ये जो डायमीटर है हम किस बेस पर फाउंड कर सकते हैं, अगर हमें थीटा एंगल मिल जाए और हमें ये जो एस डिस्टेंस है ये पता हो। दिस अबव फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली इफ एस इज वेरी लार्ज, अगर एस जो है बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तब ये फॉर्मूला जो है काम में आ सकता है। एंड डी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल आर्क ऑफ रेडियस एस। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा आपको पता होगा, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल अपने पास थीटा है और आर्क जो है अपने पास क्या है AB है, एंड रेडियस अपने पास क्या है S है। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, अगर हमें आर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा S से। तो इस तरह से हम ये जो मून का जो डायमीटर है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ।
हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है डिस्टेंस का मून एंड अर्थ के बीच में. लेट द ऑब्जेक्ट ओ बी व्यूड विद आवर आईज विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. देखिए ये हमारे पास लेफ्ट आई एंड ये राइट आई का साइन है. यहाँ पर दोनों के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स दिया हुआ है और ओ अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, आर डिस्टेंस है दोनों आईज से. ओके, द एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा है, ये जो थीटा एंगल आपको डायग्राम में दिख रहा है, कॉज्ड बाय टू लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द टू आईज टू द ऑब्जेक्ट. यहाँ क्या बात बताई गई है कि ये जो है वो दो ये जो लाइंस ड्रॉ की गई है उससे मिलकर बना हुआ है ये थीटा एंगल. अब ये जो एंगल है वो पैरेलेक्स एंगल कहलाता है और ये मेथड जो है वो पैरेलेक्स मेथड भी कहलाता है. यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा ये कौन सा मेथड है, पैरेलेक्स मेथड है. तो पैरेलेक्स एंगल जो है वो किससे बनता है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, दोनों आईज से उसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की दोनों आईज से, तो वो जो है वो दोनों डिस्टेंस जहाँ जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर एक थीटा एंगल बन जाता है. ये थीटा एंगल होता है पैरेलेक्स एंगल और इसी बेस पर इसका जो नाम पड़ा है वो पैरेलेक्स मेथड नाम दिया गया है. इफ़ वी कैन कंसिडर ओ ए एंड ओ बी, अगर हम ओ ए ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है ओ एंड ए एंड ओ एंड बी ये कंसिडर किया है रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल का इसको रेडियस कंसिडर कर लिया जाए एंड द डिस्टेंस एक्स, ये जो एक्स डिस्टेंस है ए बी एज आर्क ऑफ द सर्कल. एक हमारे पास सर्कल है जिसका मिड पॉइंट क्या बताया गया है ये ओ ऑब्जेक्ट, रेडियस क्या है इसकी स्मॉल आर जो कि ओ ए एंड ओ बी डिस्टेंस है एंड जो एक्स है वो क्या है इसका आर्क है. तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर लिखते हैं. ये स्मॉल ए जो है वो आपको नहीं देखना है, स्मॉल ए बी अपॉन आर आपको देखना है. ए बी हमारे पास क्या है आर्क है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होगा, स्मॉल आर रेडियस आ ही गई है. ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है, ए बी यहाँ पर एक्स है तो एक्स अपॉन आर ये इसमें फॉर्मूला बन जाएगा. तो अगर हमें स्मॉल आर ये क्या है ऑब्जेक्ट एंड आईज के बीच में डिस्टेंस जो है वो ही हमें डिटरमाइन करना था यहाँ पर, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, स्मॉल आर जो है वो क्या निकल जाएगा, एक्स अपॉन थीटा निकल जाएगा. तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउएवर इफ वी कंसिडर ओ रिफर्ड इन दी अबाउट डायग्राम टू बी द मून और ए नियर बाय स्टार, ये मून है ए नियर बाय स्टार है या फिर हम नियर बाय स्टार मान सकते हैं इसको, और ये हमारी क्या है ये अर्थ है. नेक्स्ट हम बात करें, देन द एंगल क्यू इज टू स्मॉल, ये जो क्यू लिखा हुआ है इसको आप थीटा ही कंसिडर करना, यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो क्या है बहुत स्मॉल है. व्यू ऑफ द लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड द प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हैंस इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर एंड वैलिड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज द बेसिस फॉर ऑब्जर्वेशन इंस्टेड ऑफ द टू आईज. देखिए ये जो पैरेलेक्स मेथड में हमने जो मेथड यूज़ किया है पैरेलेक्स मेथड वही यहाँ पर काम आ रहा है. वही अपन ने जैसे मान लो टू आईज के थ्रू ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल आर एंड स्मॉल आर कंसिडर की है और यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो दोनों थीटा वन एंड थीटा टू एंगल के सम के इक्वल होगा. तो यहाँ बात हो रही है, देखो वी हैव थीटा इक्वल्स टू थीटा वन प्लस थीटा टू, पैरेलेक्स एंगल है ये. ऑल्सो स्मॉल आर जो आर्क है वो एक्स अपॉन थीटा होता है, तो थीटा की जगह हम पुट करने वाले हैं थीटा प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर स्मॉल आर डिटरमाइन कर सकते हैं. टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, मान लो कोई इलेक्ट्रिक पोल है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं. लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक पोल, ये जो ए बी है जिसकी हाइट एच दिख रहा है डायग्राम में आपको, ये एक पोल है इलेक्ट्रिक पोल है स्टैंडिंग अपराइट ऑन द ग्राउंड. लेट द पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है हमारे पास, ये जो पॉइंट सी है बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ से हम इस पोल को क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं. द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग देयर फोर बी सी, ये जो बी सी हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं, सब्सटेंटेड बिटवीन द बेस एंड द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल. द पॉइंट सी इज ऑल्सो कॉल्ड
as the elevation of the electric pole and the distance from BC to the point between the point of observation and the foot of the electric pole is x and h is one height of the electric pole. देखिए अब इसको डिटरमाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं. यहाँ देखिए आपको ये थीटा एंगल नज़र आ रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस एंड ये बेस हो गया. तो यहाँ अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं. तो परपेंडिकुलर तो हमें डिटरमाइन करना है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है. दूसरा, हमें अगर डिस्टेंस पता हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पोल के बीच के डिस्टेंस मालूम हो, तो हम इसको मेज़र इजीली कर सकते हैं. कैसे, देखिए हम थीटा के सामने परपेंडिकुलर एच कंसिडर कर रहे हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है. तो हमें दोनों का यूज़ करना है, कौन किस किस का, एक तो परपेंडिकुलर का एक बेस का. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है. टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, एच अपॉन एक्स. तो यहां हम बात करें, यहां टेन थीटा है, ऊपर आएगा एच, डिवाइड में आएगा एक्स, तो एच इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा. तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो हाइट है वो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं एक्स टेन थीटा से. वेयर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड थीटा कुड बी नॉन, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज है वो नॉन रहेंगी, और जो अननोन वैल्यू है हमारे पास हाइट की, वो हम इससे इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं. दिस मैथड इज कॉल्ड ट्राइंगुलेशन मैथड. इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलेशन मैथड बोलेंगे, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड मैथड था. टू डिटरमाइन द हाइट यूजिंग द सेक्सटेंट, ए बी एंड सी डी आर टू मिरर्स. देखिए यहाँ एक और मैथड हम पढ़ रहे हैं, या ए बी आपको दिख रहा है, ये ए बी एक मिरर है, एक सी डी जो है वो भी यहाँ पर एक मिरर है, ये सी डी. तो ए बी एंड सी डी आर टू मिरर्स फिक्स्ड एज इन द डायग्राम पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों के एक दूसरे से पैरेलल है, एंड फेसिंग ईच अदर, और एक दूसरे के सामने इनका फेस है. द रिफ्लेक्शन ऑन सी डी इज सीन ऑन ए बी, अ स्मॉल टेलीस्कोप एंड अ वर्नियर ट्रेवलिंग ओवर अ स्केल ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज. देखिए यहाँ पर ये जो स्केल लग रही है, ये पूरी की पूरी थीटा डिग्रीज इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं. द सेक्सटेंट इज फिक्स्ड फॉर्मली टू व्यू द हॉरिजन व्हेन द रीडिंग ऑन द स्केल इज जीरो, द रीडिंग व्हेन द हॉरिजन इज सीन थ्रू बोथ द मिरर्स. देखिए द आर्म ऑफ द सेक्सटेंट इज रोटेटेड अंटिल, देखिए जी ये जो आर्म है सेक्सटेंट की वो रोटेट होती है, अंटिल द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द सन इज सीन वाइल द ओरिजन इज स्टिल सीन डायरेक्टली एज इन द फिगर. फिगर में आपको सब कुछ दिख रहा होगा इजीली, ये अपने पास थीटा एंगल्स जो है वो यहाँ से आपको पता करने होंगे. ये यहाँ पर थीटा एंगल बन जाएगा, ये आईज है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम इसको मानते हैं, और यहाँ पर सी डी एंड ये जो ए बी है, ये काफ़ी लाइट इसमें दिख रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजन हॉरिजॉन्टल एंड सी ई इज ट्वाइस द एंगल थ्रू विच द आर्म इज रोटेटेड, सिंस द ग्रेजुएशन ऑन द स्केल इज डबल द एंगल थ्रू विच द आर्म इज रोटेटेड, द डायरेक्ट सेटिंग गिव्स द रीडिंग स्ट्रेट अवे. तो यहाँ पर डायरेक्ट सेटिंग रहती है इसकी, जो भी आपको यहाँ पर देखिए, टू डिटरमाइन द हाइट यूजिंग द सेक्सटेंट, तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर अपन को हाइट मेजर करनी हो, तो ये डायरेक्ट सिस्टम है, आपको डायरेक्ट इससे इजीली कैलकुलेशन मिल सकती है. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाऊंगी, और अभी तो आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे तो टू डिटरमाइन द हाइट ऑन एन इनएक्सेसिबल माउंटेन. माउंटेन देखिए इसकी हाइट जो है वो इनएक्सेसिबल होती है, तो इनकी जो हाइट है वो किस बेस पर मेजर की जाती है. देखिए यहाँ पर थीटा वन एंड थीटा टू दो एंगल्स हैं. अगर हम बात करें थीटा वन की, अपन को निकालना है हाइट, तो हाइट निकालने के लिए डायरेक्टली हम टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर इससे मिल जाएगा हमें, और इसके लिए हमें चाहिए थीटा एंगल, एंड हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड माउंटेन के बीच में डिस्टेंस होती है. तो यहाँ पर
पी क्यू ये आपको माउंटेन की हाइट दिख रही है, ए से क्यू तक ये डिस्टेंस है, साथ ही बी से क्यू तक की डिस्टेंस है, ए पर एक एंगल बनाया हुआ है थीटा वन एंड बी पर जो एंगल है वो है थीटा टू है। यहाँ पर दो एंगल्स काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे चलते हैं। थीटा वन अगर टेन थीटा वन अपन निकालें तो वो क्या होगा, पी क्यू अपॉन क्यू ए होगा। एंड थीटा टू की हम बात करें तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर सेम है पी क्यू, लेकिन बेस जो है वो इसका हो जाएगा क्यू बी, क्योंकि थीटा टू के लिए हम बात करें थीटा वन के लिए बेस होगा क्यू ए, थीटा टू के लिए बेस होगा क्यू बी। नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा वन इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू ए एंड थीटा सॉरी टेन थीटा टू जो है यहाँ पर बी क्यू अपॉन क्यू पी, ये आपको नहीं देखना है, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, आपको देखना है पी क्यू अपॉन क्यू बी, ये देखना है। तो दोनों में परपेंडिकुलर जो है वो सेम है, लेकिन जो इनका बेस है एक में क्यू ए है थीटा वन के लिए, दूसरे थीटा टू के लिए क्यू बी है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर यहाँ से हम क्यू ए निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन टेन थीटा वन हो जाएगा, जो कि ये आ गया है। एंड साथ ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू जो है माउंटेन की हाइट है, हम हाइट लिख लेते हैं, और वन अपॉन टेन थीटा होता है कोट थीटा, तो हमने इसको लिख लिया कोट थीटा वन। उसी तरह से क्यू बी ये जो है वो कितना आ जाएगा, क्यू बी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन टेन थीटा टू हो जाएगा, पी क्यू को हमने लिख लिया है एच, और वन अपॉन थीटा टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा टू हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन, तो क्यू बी माइनस क्यू ए ये यहाँ पर लिख लिया है, एच कोट थीटा माइनस एच कोट थीटा वन लिख लिया है, एच दोनों में से कॉमन आ गया है। एंड साथ ही हम क्या करने वाले हैं, देखिए क्यू ए को तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया गया है, लेकिन जो बी क्यू है ये डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो क्यू है एंड बी है, बी क्यू जो डिस्टेंस है वो क्यू ए प्लस ए बी से मिलकर बनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको क्यू ए प्लस ए बी। इससे होगा क्या कि ओनली ए बी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगी, क्यू ए प्लस का है एंड माइनस का क्यू है, कैंसिल आउट हो गया, ओनली ए बी बच गया है, ए बी इक्वल्स टू एच कोस कोट थीटा टू माइनस थीटा वन हमारे पास आ गया। देखिए अब क्या करना है, यहाँ हमें एच चाहिए, तो एच इक्वल्स टू ए बी अपॉन कोट थीटा टू माइनस थीटा वन, हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू ए बी अपॉन कोट थीटा टू माइनस थीटा वन। दोनों थीटा एंगल्स हमें नॉन रहेंगे, पता रहेंगे, ए बी जो डिस्टेंस है वो हमें पता रहेंगे, तो इसके बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं जो कि इनएक्सेसिबल थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ सबमरीन, ये इको मेथड होता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओशन एंड इन इफ ऑन इट्स पाथ एनी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट आर एनकाउंटर देन एज पर लॉ द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द ओरिजिन एंड द टाइम ऑफ द सेंडिंग द वेव एंड द टाइम ऑफ द रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड वेव आर वर्क आउट एंड द डिस्टेंस ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज वर्क आउट बाय द फॉर्मूला। देखिए ये एस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन है एंड वी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है सेंट एंड जो टी है इज द टोटल टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल टू एंड फ्रो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सबमरीन होता है तो वहाँ क्या होगा कि टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन, सबमरीन की जो डिस्टेंस है वो मेज़र करने के लिए हम इसको इको मेथड का यूज़ करते हैं। वो क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो पास करवाई जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो वो कितने टाइम में आई है, टोटल टाइम उसको क्या लगा, वेलोसिटी क्या रही, कितने डिस्टेंस से वापस लौट कर आई है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसकी हम डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर लेते हैं। डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला देख लिया है, v इंटू टी अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए डायग्राम में बताया हुआ है कि यहाँ देखिए अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है तो वो भेजी जा रही है अल्ट्रासोनिक, और ये सबमरीन है तो डिस्टेंस जो है वो कितना हमसे दूर है उसका हम पता लगा सकते हैं। देखिए वारशिप्स होते हैं, ये जो है वो वारशिप्स होते हैं यूजिंग सोनार टू फाइंड सबमरीन्स। यहाँ पर नीचे क्या होता है, सबमरीन्स होते हैं,
तो ये जो भी वारशिप्स हैं उनका पता लगाते हैं किसके बेस पर, अल्ट्रासोनिक वेव्स। आपको ये ध्यान रखना है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स काम में आने वाली है। तो इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से भेजी जाती है, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर ये जो वारशिप्स है वहाँ पर पहुँचती है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो डिस्टेंस का इस तरह से पता लगाया जाता है। एस जो फॉर्मूले में यहाँ पर डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में आपको वैल्यू प्रोवाइड कराती है। तो स्टूडेंट्स आपको सब कुछ इसमें इजीली समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि मैंने आपको पीपीटी से इस तरह समझाया ताकि ये जो फैक्ट्स हैं आप लिख सको। और इसके बाद हम जो भी डेरिवेशन होंगे, जितने भी यूनिट्स हम पढ़ेंगे उनको किस तरह से डिराइव किया जाता है, फॉर्मूला से कैसे यूनिट डिराइव करते हैं एंड यूनिट से कैसे डायमेंशंस बनाते हैं, वो आगे सारे वीडियोज़ में हम व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।